लोकसभा में बीते 6 अगस्त को धारा 370 पर भाषण देने वाले लद्दाख के सांसद जामयांग ने सबसे ज्यादा तालियां बटोरी हैं। आलम यह रहा कि बीते एक हफ्ते से YouTube पर जामयांग के भाषण को खूब सर्च किया जा रहा है। जामयांग के यशस्वी भाषण के बाद हर कोई उनका दीवाना बनता जा रहा है। उनके ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। संसद का मानसून सेशन खत्म होने के बाद जामयांग इन दिनों अपने घर यानी लद्दाख के दौरे पे हैं, जहां वे घूम घूम कर सभी धर्म के गुरुओं से मिल रहे हैं, साथ ही आम लोगों से संवाद भी कर रहे हैं। जामयांग को देखकर लद्दाख के लोग भी खासे खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जामयांग का जीवन बेहद संघर्ष भरा रहा है। जामयांग बेहद साधारण बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन बचपन से ही उन्हें पढ़ने और लिखने का शौक था, सो उन्होंने अपनी तालीम पूरी तरह से मुकम्मल की। साल 2012 में उन्होंने BJP ज्वाइन किया। उसके बाद से तो वो पूरी तरह राजनीति के होके रह गए। BJP के लिए तब से लगातार काम कर रहे हैं। लद्दाख और उसके आसपास के इलाके में लगातार BJP का वोट बैंक बढ़ाने में लगे हैं। उनकी इसी मेहनत और लगन का इनाम भी जामयांग को मिला है। साल 2019 लोकसभा चुनाव में BJP ने लद्दाख से जामयांग को अपना उम्मीदवार बनाया। BJP को जामयांग पर पूरा भरोसा था और उन्होंने पार्टी के इस भरोसे को टूटने नहीं दिया और लद्दाख संसदीय क्षेत्र से शानदार जीत हासिल की। राष्ट्रीय पटल पर धारा 370 पर संसद में भाषण देने के बाद लद्दाख सांसद जामयांग को बिल्कुल छा गए हैं। उनके भाषण में दर्द के साथ साथ अपनी माटी के लिए जो प्यार दिखा, उसे न सिर्फ लद्दाख के लोग बल्कि पूरी दुनिया और देश के लोगों ने पसंद किया है। उम्मीद की जा रही है कि युवा सांसद अपनी मेहनत के बलबूते पूरे लद्दाख को बदल कर रख देंगे, क्योंकि उनके भाषण में कुछ करने की छटपटाहट साफ दिख रही है। News4 Nation की रिपोर्ट।